नोरा फतेह एक्टिंग में जीरो थी, लेकिन आइटम सॉन्ग करके नोरा ने बहुत नाम और पैसा दोनों कमाया और लोग ज्यादातर नोरा का डांस और उनके समझ रहे हो। लेकिन अब नोरा को टक्कर देने के लिए आइटम सॉन्ग की दुनिया में कदम रख चुकी है तमन्ना भाटिया। 2023 में एक सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा था, जिसके बाद तमन्ना दीदी रातों रात मशहूर हो गई थी। और जहां हर बॉलीवुड मूवी में नोरा जी के आइटम सॉन्ग नजर आती हैं, वहीं अब तमन्ना भाटिया नोरा को टक्कर देने आ चुकी हैं। अब एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है स्ट्रीट 2। सबको लगता था इसमें नोरा का आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, रहा नहीं जाता। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने नोरा फतेह को हटाकर तमन्ना दीदी को ले लिया। आज बट यार सॉन्ग तो अच्छा है, लेकिन जहां नोरा फतेह एक सॉन्ग का 25 करोड़ लेती हैं, वही तमन्ना भाटिया सिर्फ 1 करोड़ लेती हैं। पीटू के मेकर्स के पास इतना बजट नहीं था, क्योंकि सारा बजट तो अक्षय कुमार डेब्यू में ले गए, इसीलिए नोरा फतेह को हटाकर 1 करोड़ में मामला निपटा लिया गया। वैसे गाइस अगर डांस की बात आती है तो नोरा फतेह डांस के मामले में एकदम बेस्ट है। तमन्ना जी नोरा के सामने थोड़ा वीक है। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।